इनका सिलेक्शन चूंकि प्री में हुआ था, और प्री में बिहार दरोगा में हुआ था और बिहार दरोगा मेंस में भी हुआ, लेकिन वो क्या हुआ कि फिजिकल में जो है कुछ सेकंड के लिए छट गए, लेकिन इनका 3 सेकंड के लिए छट गए। दूसरी बात यह है कि इनका इतना अच्छा नंबर था, इनका मैंने अगर इस बार अगर होता तो, चूंकि प्री में भी हमसे जुड़े हुए थे और हमसे ऑफलाइन क्लास भी किए हुए हैं, ऑफलाइन क्लास भी किए हुए हैं, प्री में भी जुड़े हुए हैं और मेंस में भी जुड़े हुए थे, तो निश्चित तौर पर जो है अपने बारे में सबसे पहले प्रेम कुमार बताएंगे, उसके बाद आप लोग धीरे धीरे और थोड़ा सही करा दें। हाँ मैं प्रेम प्रकाश और मेरा घर रोहतास जिला में हुआ और सर के सानिध्य में ही हम सारा अपना पढ़ाई लिखाई किए। इससे पहले लगभग मैं सर के साथ 2019 में जुड़ा, तो उस टाइम मेरा कुछ अलग फील्ड था, मैं टेक्निकल फील्ड से। बोलिए उसको डिटेल्स में बताइए बच्चों को कि टेक्निकल फील्ड से आप। सर हमारे एक्चुअली रिलेटिव भी हैं, तो मैं ये हमारे समाज के एक आइकॉनिक पर्सन थे, तो बताया गया कि आप सर से मिल लीजिए आगे क्या करना है। तो फिर मेरा मन किया कि मैं मूव करूँ PCS की तरफ। तो फिर सर से हमने सारी कुछ जानकारी ली इसके बारे में। सर बहुत अच्छा मोटिवेशन हमको दिए कि स्ट्रगल करते रहो, जॉब तो मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद सर से 2019 में मैं जुड़ा, जब उस 2446 में सर से जुड़ा, तो उस टाइम हमें कोई आइडिया नहीं था। 2-3 मंथ बाद एग्जाम थे उसका, तो मैंने एग्जाम दिया और उतना कुछ अच्छा नहीं कर पाया। फिर सर के साथ जुड़े रहे लगातार और इनके सानिध्य में हम अपना प्रिपरेशन करते गए, और इस बार के मेरा प्री भी अच्छा गया, लगभग 71 मार्क्स क्लियर था मेरा। और मेंस का मैं जब एग्जाम दिया तो 81 के आसपास मेरा कंफर्म सही था, और 4 नंबर जो आयोग पर डिपेंड था, तो उसका तो मतलब अभी पता नहीं, वो स्कोर कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। बहुत लाउडली बोलिए, थोड़ा सा लाउडली बोलिए, ऐसे बच्चे ना बोल रहे। 81 इस बार मेरा कंफर्म था। और आरोप प्रियदर्शी बोल रहे, क्या हाल है प्रेम भाई, अच्छा है। 13 तारीख को मेरा फिजिकल था, तो हम गए, धूप भी बहुत काफी थी और हमें टाइम नहीं मिला एक्चुअली सर फिजिकल का। तो मतलब टाइम तो हालांकि बहुत शॉर्ट दे दिया था इस बार आयोग, तो हम उसी में अपना तैयारी किए करते गए। जो भी मतलब बस ये मोटिव यही था कि सर किस तरह को पास करना है, हम लगे रहे इस चीज में। पर फाइनली 13 को मेरा दौड़ था सी शिफ्ट में, तो हम दौड़े, दौड़ में गए तो वहां पर मेरा 3 सेकेंड ज्यादा हो गया, 6:33 लग गया, और हमें पता चला कि 3 सेकेंड का वैल्यू क्या होता है लाइफ में। तो आप हर सेकेंड को यूटिलाइज कीजिए जिंदगी में सफल होना है तो, और अपने घर परिवार और समाज का नाम रोशन कीजिए। बाकी सर तो मेंटर हैं, सारे चीज इन्हीं इन्हीं के बदौलत जो भी मैं GS या इस फील्ड में आया, तो बस सर के सानिध्य में। और इसके लिए दूसरी सर बात का देखिए, धन्यवाद। क्या है कि प्रेम कुमार जो है एक टेक्निकल फील्ड से है। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है इनके लिए कि ये जो है ऑलरेडी जो है कि बीटेक किए हुए हैं, ठीक है ना। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से आए हो, जो बीटेक किए हुए हो और अचानक उनको GS का पाला पड़े, तो GS के पाला पड़े तो सोचिए क्या होगा। 2446 पोस्ट में इनसे भेंट हुआ और भेंट होने के उपरांत जो है हमने कहा कि ठीक है आप क्लास कीजिए, मन से पढ़िए, और इनके बैच से लगभग जो है कि 33 बच्चा जो है दरोगा बना था 2446 में। जी एक सर, छोटी सी उसमें हमारा प्रयास था और उसमें ज्यादा नहीं बन पाया था लोग, लेकिन कारण क्या था कि हम बहुत लेट से हम लोग उसको स्टार्ट किए, तो उसमें प्रेम बाबू का भी मतलब हुआ था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। तो इसी तरह से देखिए, सोचिए कि अगर मान लीजिए कि टेक्निकल फील्ड से कोई भी स्टूडेंट अगर आते हैं, अब सोचिए उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, कैसे तैयारी करना पड़ता होगा, सिलेबस समझने में लग जाता है लोगों को साल 2 साल, लेकिन हमारे सानिध्य में पढ़े। और इस बार जो है कि जाकर इनका इस बार मेरिट का कितना मार्क्स था आपका, सर मेंस में सर लगभग इनका 81 माने 81+ था, और 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि वो आयोग पर डिपेंड था कि वो कैसा क्वेश्चन देगा। 81 सर कंफर्म था, बाकी 4-5 क्वेश्चन जो आयोग के ऊपर मैं छोड़कर। हाँ, तो इसी टाइप से जो है